शुरू नीचे से करेंगे, पानी, मिट्टी और वायु की। ये तीन चीजें हैं और तीनों चीजें जो ये आज के परिवेश, आज के परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं उसमें काफी हद तक नुकसान हो रहा है। और विश्व स्तर पर जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी अपन जा रहे हैं कि सब जो है तापमान बढ़ रहा है, ये मतलब अगर प्रकृति में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ होती है आप देखिए, और छेड़छाड़ होते ही हमारा सारा वातावरण डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम इसको पर्यावरण को वास्तव में बचाए रखना चाहते हैं, उसी के उद्देश्य से ये पर्यावरण दिवस जो विश्व स्तर पर मनाया है वो पर्यावरण दिवस इसीलिए माना जाए कि भाई हम उसके प्रति जागरूक हों। अब आप देखिए, अगर हम तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हमारे जो रिजर्व हैं बर्फ के, जो ध्रुव है, जो अंटार्कटिका और अटलांटिक, वो क्षेत्र में क्या होता है, बर्फ का गलना तेजी से हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और वो तेजी से होने का मतलब ये है कि जो भी क्षेत्र हमारे विश्व भर में किनारे पर बसे हुए हैं उनका जल स्तर बढ़ जाता है और वो सारे क्या है, बाढ़ के क्षेत्र में निम्न हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जो हमारा ये जो लो डिप्रेशन सिस्टम यानी कि बारिश आने का जो तंत्र है उसमें बदलाव आ जाता है, और वो जब बदलाव आया इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सारा बारिश आने का जो तरीका है, बारिश आने का जो मौसम है या उसकी जो मात्रा है वो गड़बड़ा जाती है। तो ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो सारा जुड़ाव है पर्यावरण से। और एक बार आपको थोड़ा ध्यान भी होगा, जब अभी ये दो दिवसीय अपना प्रोग्राम था राष्ट्रीय स्तर का, उस समय भी मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, शायद आप भूल गए, कुछ जो कुछ जो है वो याद भी होगा। मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया था कि हम जीवन भर इस प्रकृति से ले ही रहे, दे कुछ नहीं रहे, और जो लेके जैसे अभी यहाँ पर एलडीएम साहब भी बैठे हुए हैं, नाबार्ड के डीडीएम साहब भी बैठे हुए हैं, जब आप किसी बैंक से या किसी भी संस्था से लेंगे तो कर्जदार ही होते नहीं होते, और हम इस प्रकृति से ले ही रहे, इसके जो भी इतना खजाना है प्रकृति का ले तो रहे हैं लेकिन दे कुछ नहीं रहे, और जब हम देंगे नहीं तो निश्चित रूप से हमारा कर्जा लगातार बढ़ता रहेगा और इस जन्म में हम चुका नहीं पाएंगे और इस कर्ज को साथ लेके चले जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि हम इस कर्ज को कैसे चुकाएं? तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एक वेद में हमारे बहुत बड़ा स्लोगन भी आया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों से बढ़कर या उसके बराबर है, और उसमें इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक पेड़ तो कभी भी ऐसी गुस्तागी नहीं करेगा कि पर्यावरण के साथ खिलाफ, पर्यावरण के खिलाफ कोई कार्य करे, लेकिन एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, वो समाज में ऐसे उपद्रव भी पैदा कर सकता है या ऐसी चीजें भी पैदा कर सकता है जो समाज के लिए हित करना हो, लेकिन जो हमारी पर्यावरण से संबंधित है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमेशा हमारे लाभकारी होंगे। तो आज के संदर्भ में सबसे बड़ा आज संदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 पौधे लगाकर, 10 भी नहीं लगाओ, कम से कम 5 पौधे लगाकर उनका भरण पोषण करके अगर आपको जीवित कर लिया, आपने बचा लिया, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और इस कर्ज के जो आप बता रहे हूँ बार बार कर्ज, जीवन कर्ज, उससे भी हम मुक्त हो सकेंगे। तो आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा छायादार पेड़ पौधे, ऐसे फलदार, देखिए फलदार में एक जुड़ाव होता है कि साहब इसमें पैदा होंगे वो फल हम काम लेंगे या हमारा परिवार काम लेगा, और जहाँ स्वार्थ जुड़ गया, आप देख लीजिए जहाँ स्वार्थ जुड़ गया उसका लाभ निस्संदेह कम हो जाता है। तो ऐसे काम जो कि हमारे आज हमने लगाया, हम भी सोचते हैं भाई ये सब इस पूरे पर्यावरण के लिए, इस समाज के लिए, दूसरों के लिए, तो ऐसा जो कर्तव्य होगा कोई भी काम होगा वो निश्चित रूप से, निस्संदेह रूप से मानव के हित में रहेगा और इस पर्यावरण को सुचारू को जो है संवर्धन करने या इसको बचाए रखने में एक कारगर सिद्ध होगा। तो आज ये जो हमारा स्टोर का कार्यक्रम वो भी महत्वपूर्ण काम है, देखिए अपन